This story from here. Rai knows that his visitors are in need. Rai को यह मालूम है कि जो उनके यहाँ आगंतुक हैं उनकी कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है. वो किसी ज़रूरत के लिए आए हैं, किसी ज़रूरत में मंद हैं वो. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. ये एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी को वे स्वीकार कर लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, अच्छी खासी रकम के रूप में. अच्छी खासी रकम के बदले वे पुरानी घड़ी को एक्सेप्ट करते हैं. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड्स एवरीवेयर, चारों तरफ सदविचार और शांति का संदेश जाता है. एज द ओल्ड क्लॉक्स चीम मेरी क्रिसमस, द ओल्ड क्लॉक्स पुरानी घड़ियाँ जब अपनी घंटी बजाती हुई क्रिसमस की बधाई दे रही हैं. द क्लॉक्स टिकेड ऑन, घंटी की टिक टिक की आवाज़, घंटी की बजने की आवाज़ हुई. राय कामली रूट अनोदर मैसेज, राय कामली, कामली में पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक, धीरे से दूसरा मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिकअप ए क्लॉक और वॉच, और कहा कि आपको क्या लेना है, क्लॉक लेना है, दीवार घड़ी लेनी है या वॉच लेनी है. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, फिर उन्होंने इशारा किया लोन बोर्ड की तरफ, बोर्ड जिस पर कर्ज के बारे में लिखा हुआ था, अंकित था. फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेज, जहाँ पर दीवार घड़ियाँ और पॉकेट वॉचेज भी लटकी हुई थी. ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो, हालांकि वो एक मनी लेंडर नहीं थे, कर्ज देने वाले नहीं थे. ही वॉज नॉट ए मनी लेंडर बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो, बट एट दैट टाइम ही कुड नॉट से नो, लेकिन उस समय वे ना भी नहीं कह सकते थे. टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, कि जिस चीज़ के लिए कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आया हुआ है, चाहे वो पुरानी घड़ियों को लेकर आया हो और जो उनके सामने उसको रख रहा हो और वो ज़रूरतमंद हो. ही लोन्ड मोर देन ही सूट, दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. ही लोन्ड मोर देन ही सूट, और वे ज़्यादा कर्ज दे देते थे आवश्यकता से ज़्यादा. They would be there when the owners wanted them back. Or they would be there when the owners wanted them. अब फिर वे उस पैसे को वापस ले लेते थे यदि उसको लौटाना चाहता था, एट द सेम प्राइस, उसी कीमत में, उसी दाम में. He had paid with no interest. Then the older man seemed to feel a little easier. तब जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो थोड़ा, उसका मन हल्का दिखाई पड़ने लगा, थोड़ा सहज दिखाई पड़ने लगा. टूक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, और वो व्यक्ति अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला. एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और अपनी कलाई की तरफ देखा घड़ी पर. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रूट, और अपनी घड़ी को दिखाते हुए कहा कि इस घड़ी के लिए आप कितना देंगे, और वो लिख कर वो व्यक्ति राय को दिया. राय नोटिस्ड ए लिटिल सेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, राय नोटिस्ड ए लिटिल सेम इन द ग्रे आईज, और राय उस समय उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में थोड़ा संकोच का भाव देख रहे थे. राय ने देखा कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी नज़रों में कुछ संकोच है. दी वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट हैड ग्रेट पावर, हालांकि उस घड़ी
कोई खास घड़ी अपने आप में नहीं थी, फिर भी तो भी इट हैड ग्रेट पावर्स, तो भी बहुत मूल्य की थी, तभी बहुत मूल्यवान। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, इस माने में कि किसी बैड सिचुएशन से उबारने के लिए वह एक विनिमय, एक व्यापार की चीज़ थी। इट वॉज सम नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन, इससे पता चलता था कि बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही, बहुत ज़रूरत महसूस होने पर ही यह व्यक्ति उनकी दुकान पर आया है इन द फर्स्ट प्लेस। पहले राय आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, राय ने पूछा लिख करके कि इसके लिए कितने पैसे की आपको ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, फिर उस नोट पैड पर वो व्यक्ति लिख कर दिया वाट एवर इट इज अ वर्थ, या जितने के लायक हो उतना दे दीजिए। राय रिच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, राय गए अपने कैश बॉक्स के पास, द बॉक्स इन विच ही केप्ट हिज मनी, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड देन ही टुक आउट $50, और उसमें से उन्होंने $50 का नोट निकाला एंड पासेड इट इनटू द मैन्स हैंड एंड देन ही गेव द नोट टू द मैन, फिर उस व्यक्ति को बढ़ा दिए। एज दे शुक हैंड्स राय लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, दे सीम टू से, और जब वो अभिवादन करने के लिए हाथ हिलाया तो राय जैसे उस व्यक्ति की तरफ देख रहे हों, और यह लगता था जैसे कि वो कह रहा हो थैंक यू, आपको धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, दोनों जानते थे कि वह घड़ी उतने कीमत की नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, तब वहाँ से चलने पर द मैन रोड आदमी लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, लिखा मेरी क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि मैं फिर इसको लेने जल्दी ही आऊँगा। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, जब सारी घड़ियाँ एक साथ अभिवादन करने के लिए, क्रिसमस के अभिवादन के लिए एक साथ जब बज उठी, तब यह छोटी कहानी, यह छोटा वृतांत खत्म हुआ। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, इस बीच वो सारी टाइम पीसेज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेज जो चुपचाप मुख होकर के देख रही थी, रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग, और जैसे वे बज उठी इस भाव के साथ दैट इवन राय थॉट ही कुड हियर देम, इस भाव से बज उठी ताकि राय भी सुन सकें इस समय, हालांकि ही वॉज ए डीप पर्सन, हाउ एवर ही माइट हियर, वो भी सुन सकें। दियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिलेड विथ होप, और उनका मीठा और यह संगीतमय संदेश यह उम्मीद से भर गया। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवार्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। नाउ वी इन दिस स्टोरी अगेन टुमोरो वी विल राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस।